अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेप डेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों से बात करनी है। एक तो ये कि सियासी हालात किस तरह के हैं, आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से जो है वो पोलराइजेशन है। दूसरी जो बात करनी है वो ये करनी है कि दुनिया तो कहती थी कि इमरान खान को सियासत आती नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है सब। एक बात ये करनी है। दूसरी बात आप लोगों के साथ ये करनी है कि देखें, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन और इसी तरह कुछ बाकी हालात, वो भी बात करनी है। चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, फिर तफसील से आप लोगों के साथ बात करते हैं। सबसे पहली बात के आउटडोर आपके साथ मुखातिब हैं। एक शादी की तकरीब में आए थे, उधर जैसे ही हम चाय पीने लगे हमें टी ब्रेक का याद आया आप लोगों के साथ, हमने फिर सोचा कि चले हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक ख़ास हमने ख़वातीन के लिए बात की थी और वो आपको आई के बटन में इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी, दोबारा जाके उसको देखिएगा और उस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं आप लोगों के सामने कि देखें, इमरान खान साहब हर बात पे, इमरान खान साहब को मानने वाले, इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, हर बात का आगाज़ ही इधर से करते हैं, या का नाबुदु या का नस्ताइन। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको अमली ज़िंदगी में भी लेके आएँ। ऐसा नहीं कि आपकी अमली ज़िंदगी में या का नाबुदु या का नस्ताइन का किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही ना हो, बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि जा के दरबारों के ऊपर जो है वो सजदे किए गए हैं। फिर ऐसा भी देखा गया है कि जा के ना सिर्फ दरबारों के ऊपर सजदे किए गए, बल्कि मुख्तलिफ जैसे ही हलफ उठाते हैं उनके मानने वाले या दूसरे तीसरे, उस जगह के ऊपर जाके जहाँ पे गैरुल्लाह की बाकायदा से एक कहते हैं ना कि सिर्फ दुआया अंदाज में, दुआया नहीं बल्कि उधर जाके इल्तजाई अंदाज में पुकार रहे होते हैं। दुआ का तो ठीक है, हम जिंदा लोगों से कह सकते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, जिंदा नेक लोगों से करें, और अगर हम मुर्दा लोगों की कब्रों पर, नेक लोगों के कब्रों पर जाते हैं जाके, उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है, हमें उनके लिए दुआएँ करनी है, ना कि हम जाके उधर से इल्तजाएँ करें, उधर अपने तौर पे उसको शुक्राने का ज़रिया बनाएं। ये चीज़ देखने वाली है, और ख़ास तौर पे मेरे उन फॉलोअर के जो कि पीटीआई के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो या का नाबुदु या का नस्ताइन से बात तो शुरू करते हैं, उसका मतलब और मतालब नहीं समझते कि उसका मतलब क्या है, उसके मतलब को समझें और उसको अमली पहलू में लेके आएँ। दूसरी चीज़, दुनिया कहती थी जी इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, अभी भी नहीं आती यार। क्या आप लोग क्यों इस तरह जो है वो एक दूसरे के बुगज़ में कह लें या जिस तरह भी कह लें, अभी तक ये माने हुए हैं इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। हर चीज़ में उसने अपना रंग दिखाया, हर चीज़ में उसने अपना रंग दिखाया। आप लोगों के जज्बात के साथ सियासत की, आप लोगों के जज्बात के साथ खेल के क्या महमूद अचकज़ई को क्या क्या नहीं, बल्कि नकलें उतारी कि इस तरह चादर लेता है, वो ये करता है, वो करता है, सदर नामजद कर दिया। 3 से 4 चक्कर मौलाना फजलुर्रहमान के उधर लगाए, क्या वो क्या वजह थी? ये सब सियासी हथकंडे हैं, सियासी हथकंडे हैं कि जेल के अंदर बैठे हुए उन्होंने अपने सियासी चालें चली, और उन सियासी के चालों के नतीजे में कोई भी जुमात ऐसी नहीं आई कि जिसको जो है वो पूरी कोई सादा अक्सियत मिल जाती। तो ये कैसे हुआ फिर, अभी भी कहते हैं सियासत नहीं आती? तो हाँ, ये ज़रूर अलमिया है हमारी कौम का कि हमारी कौम जो है वो बयानिए के ऊपर बिकती है, ये बाकी किसी चीज़ के ऊपर बिके या ना बिके बयानिए के ऊपर बिकती है। तो मेरा आज का जो मेन मुतमाइन नज़र है वो यही है कि या का नाबुदु या का नस्ताइन के ऊपर जो लोग बिके हैं वो कम अज़ कम बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर बिके हैं, लेकिन इसको अपनी अमली ज़िंदगी में ज़रूर लेके आएँ। तो ये एक तफसील से बात हम अपने स्टूडियो में होंगे, इस हवाले से मैंने करनी है, और मे बी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर हमारी एक डिटेल से ज़रूर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।